आज हम बनाएंगे आलू का बहुत ही तीखा चटपटा नाश्ता, जो बनाने में एकदम आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने, यहाँ जो बेबी पोटैटो आता है ना, छोटे छोटे आजकल मार्केट में बहुत आ रहे हैं, उसे मैंने बॉयल करके उसके छिलके को हटा दिया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। साथ में एक चम्मच मैदा डाल देंगे ताकि जो हमारे पोटैटो है ना काफ़ी चटपटे बने, इसलिए इसमें हम नमक मिर्च वगैरह सब डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के ऊपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और ये देख सकते हैं मसालों की बहुत अच्छी सी कोटिंग हो गई है। दूसरी तरफ मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है, तेल बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें सारे आलू को डाल देंगे। हमें आलू को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है ताकि हल्के से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। और ये देख सकते हैं आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, ऊपर के लेयर बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए और गोल्डन ब्राउन भी दिख रहे हैं। इसे हम निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी पैन में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। जो तेल बचा है बस हमें उतने की ही ज़रूरत है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ एक चम्मच लहसुन डाल देंगे। लहसुन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा पका लिया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, जितना आप तीखा पसंद करते हो। इसे भी 10 सेकंड के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज को डाल देंगे। आप अपने मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएं वरना सब्जियों से पानी रिलीज होने लगेगा। 2 मिनट के लिए पका लें ताकि सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ देख सकते हैं प्याज शिमला मिर्च को मैंने बहुत अच्छे से पका लिया, पानी भी नहीं है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सिजवान चटनी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास सिजवान चटनी नहीं है तो आप टोमेटो केचप में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं। बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू को डाल देंगे और बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। है ना आसानी से बनाना, बहुत ही इजी है, बहुत झटपट बनके तैयार हो जाता है। और अगर आपको छोटी मोटी भूख हो या शाम का जो नाश्ता होता है हम थोड़ा चटपटा खाना चाहते हैं, तो ऐसे में इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी बनता है। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया है। अब फटाफट से गर्मा गर्म इसे सर्व भी करेंगे। देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है और इसमें जो सब्जियां डाला है ना उसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। फटाफट से गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो गाइज कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी तो मेरी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।